गेट नंबर 43 है मेरा, और इतने थोड़ी देर जाके बैठते हैं लॉन्ज में क्योंकि अभी फ्लाइट में टाइम है। समझ नहीं आ सकती कोई हम खाया खाना। हाँ क्या बोल, भात तो खा ली नहीं है। कहाँ जा रहा है? पुरी जा रहा है, पुरी जाऊची जगन्नाथ देखी बाप, जगन्नाथ देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे एक्सरे मशीन भी लगी हुई है, एयरपोर्ट पे लगी रहती है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और बिल्कुल एसी, फुली एसी। अरे टाइमिंग से बस की कौन कौन सी बस कब जाएगी कब आएगी। फेर रखने के लिए भी अच्छा लाख लाख आदमी, 45 लाख लाख। देखिए कितनी पुलिस है सब, ये ट्रेनिंग कर करके आ रहे हैं, बता ब्रीफिंग करते हैं ना इनको, इनके बहुत सारी बसेज ये सब पुलिस की खड़ी हुई हैं। मैं अपना ये रूम में फ्रंट का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित तोमर एंड यू वाचिंग एटी ब्लॉग्स। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप सबके दिन जा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं अमरनाथ जी गया था तो यात्रा नहीं कर पाया था किसी कारणवश, अब मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ पर। मगर अभी मैं करंट में कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में 4 धाम हैं, बद्रीनाथ जी और द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। 3-2 तो मैंने कर लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी जो कि 7 तारीख को रथ यात्रा है, और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या क्या इंतज़ाम हो गए हैं रथ के, कितना सज गया रथ, कितना बन गया है अब तक रथ। और अब मेरा टाइम हो गया फ्लाइट का, मैं सीधा फ्लाइट से भुवनेश्वर उतरूँगा। भुवनेश्वर से फिर 7 किलोमीटर आगे पुरी है, जगन्नाथपुरी, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है और अच्छे अच्छे बीचेज हैं, सन टेम्पल है, जो भी चीज़ वहाँ देखने लायक होगी आपको सब घुमाता हूँ। और चलते हैं, चलिए एयरपोर्ट पे निकलते हैं और पकड़ते हैं फ्लाइट भुवनेश्वर के लिए। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और जब तक जुड़े रहिए एटी ब्लॉग्स पर। हैं रात के 3:30 और 3:30-4 हो रहे हैं, अभी अंधेरा ही है और कैब आ गई है। बैठते हैं चलिए कैब में और चलते हैं सीधा। ये कैब आ गई है हमारी, ये रही, चलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। भैया फाइनली पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट, अब चलते हैं सीधा जहाँ से हमारी जितने बजे की फ्लाइट है। बोर्डिंग तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है और मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, चलते हैं आगे इतना सीधा चेकिंग करते हैं और चलते हैं। हमारी फ़्लाइट है जो वो 5 बजे की है और सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए अब यहाँ से सीधा हमें जाना होगा, चलते हैं। सिक्योरिटी चेक करा लिया, अब चलते हैं सीधा अंदर की तरफ और वेट करते हैं अपने बोर्डिंग होने का, ऑन होने का फ्लाइट की। ये सिक्योरिटी चेक, गेट नंबर 43 है मेरा, और इतने थोड़ी देर जाके बैठते हैं लॉन्ज में क्योंकि अभी फ्लाइट में टाइम है। लॉन्ज में आ गए हम, थोड़ी देर वेट करते हैं रेस्ट, फिर चलते हैं, बोर्डिंग का टाइम हो जाएगा। तो चलते हैं, हो गया हमारा बोर्डिंग का टाइम, देखते हैं कि कितनी देर और लगती है हमें। ये देखो भैया सुबह सुबह कितनी भीड़ है जाने वाले के लिए, भुवनेश्वर जाने के लिए। तो भैया हो गई है बोर्डिंग स्टार्ट, जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, ये पायलट जा रहे हैं नीचे। एयर एक्सप्रेस ये फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं हम, ये थोड़े बैग स्पेस ज़्यादा होता है, ये पूरा खाली है क्योंकि हमारी 25th BC है तो सबसे पहले जाने का टाइम मिलता है।
फाइनली भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और कार बस खड़ी है, इसमें बैठते हैं चलते हैं। ये भी छोटा ही एयरपोर्ट है बहुत। फाइनली पहुंच गए भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी के लिए अब निकलते हैं, यहाँ से टैक्सी करते हैं। और लगेज तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो टांग के लाया हूँ, अपने चेक इन बैग में ले आया था। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, टैक्सी देखते हैं कितने रुपए लेती है। मौसम तो अच्छा हो रहा है भाई, यहाँ पे 25 टेम्परेचर है, बट थोड़ा सा चिपचिपा सा है हल्का सा ना, यहाँ पे ही है ना, तो इस चक्कर में थोड़ा चिपचिपा मौसम रहता है। आपको बोर्ड पे भी लगे हुए हैं तीनों रथ यात्रा के पोस्टर ना, बोर्ड बना हुआ है बहुत बढ़िया, विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी रथ यात्रा। तो भैया ये बस स्टैंड तक छोड़ेंगे भैया हमें, 100 रुपए एक जने का किराया ले रहे हैं जी। आप कहाँ से आए जी आंटी जी? कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद। अच्छा अच्छा, आप यहीं के हो जी लोकल? जी, जी। अब तो रथ यात्रा की वजह से भीड़ हो रही होगी जी, काफी भीड़। पब्लिक आ रही है? काफी काफी पब्लिक सर, मतलब पैर रखने के लिए भी ऐसा माने भीड़ है। अच्छा, लाख लाख आदमी आ रहे हैं। 40 लाख प्रसिद्ध रथ यात्रा, 40 लाख। हर चौक पे भी मंदिर बने हुए हैं। देखो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये वाला जगन्नाथ मंदिर है, वो लोकलिटी मंदिर है। अच्छा अच्छा, हां असुची, हां क्या उड़िया अड़ोसी, उड़िया असुची, उड़िया अड़ोसी जी, हिंदी में उड़िया आता है। हां लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है, है ना? हां समझ नहीं आ सकती, समझ नहीं आ सकती, बुझी मालूम नहीं। हां बुझी मालूम, समझ नहीं आ सकती। खाना खाया? खाना हाँ, क्या बोल, खा लो नहीं, भात तो खा लो नहीं। हैं? हाँ, कहाँ जा रहा है? पुरी जा रहा है, पुरी जाऊँची। जगन्नाथ देखी बक, जगन्नाथ देखने के लिए ऐसा है उड़िया लैंग्वेज। अब तक जितने भी जगह हैं बिल्कुल सिटी साफ नजर आई है, बिल्कुल राजस्थान में सर। उड़िया में लिखा है, क्या लिख रहा है? अम्बेडकर बस, बाबा अम्बेडकर बस स्टॉप, बस स्टॉप भी सुंदर बना रखा है। नवीन पटनायक ने बनाया था लेकिन पांड्या। तो भैया पहुंच गए बस स्टैंड पे, अंबेडकर बस स्टैंड, और बस स्टैंड भी बना हुआ है एयरपोर्ट की तरह। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट होता है ऐसे बना हुआ है बस स्टैंड भी। ये देखिए ये देखो, यहाँ पे एक्सरे मशीन भी लगी हुई है, एयरपोर्ट पे लगी रहती है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, और बिल्कुल एसी, फुली एसी। अरे टाइमिंग से बस की, कौन कौन सी बस कब जाएगी कब आएगी। भैया 13-14 नंबर गेट पे मिलेंगी बसें पूरी जाने के लिए, चलते हैं तो 13-14 नंबर गेट। ये मिल गई है जी भैया जी बस। कितने रुपए किराया भैया? किराया कितना है? 100 रुपये। चलो जी चलो आओ जी चलते हैं। लग रही है एसी के इवेंट, और 100 रुपये टिकट है, और वह मांग रहा था 2000 टैक्सी से, और चलती हुई मिल गई बस। भाई बढ़िया होगा काम। ये देखिए कितना खूबसूरत है बस स्टैंड, देखिए यहाँ से एंट्री वहाँ से निकलना, बिल्कुल सिस्टमेटिकली हर चीज़ हुई है, बहुत सारी ग्रीनरी, पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, और इतना खूबसूरत शहर है ये तो भुवनेश्वर, बहुत बढ़िया साफ सुथरा बिल्कुल। देखो पुलिस तो ऐसे ही है, काली पीली। भैया बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर रह गया है, 1.5 घंटा लगता है पूरा आने में ना। ये बस पूरी की पूरी देखो। तो भाई लोग, तो भाइयों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पूरी। ये रोड है जहां पे यात्रा आएगी, जगन्नाथ बाबा का मंदिर वहां पे है, और यहां तक आएगी इस मंदिर तक रथ यात्रा। अब चलते हैं होटल की तरफ, जो होटल करा हुआ है, चलते हैं होटल में रेस्ट करते हैं, क्योंकि नींद भी आ रही है आपको आगे से लग रहा होगा। 150 रुपये में ये कराया ऑटो, ये छोड़ेगा होटल तक।
जाती होगी ना यहाँ पे, कितनी भीड़, सारे पूरे में भीड़ होती होगी यहाँ। 10-12 लाख। चलो बढ़िया है। सीआरपीएफ का कैंप है अंदर, देखो दिख नहीं रहा यहाँ से, अंदर ट्रेनिंग चल रही है रथ यात्रा को कैसे मैनेज करना है उसकी। देखिए कितनी पुलिस है सब, ये ट्रेनिंग कर करके आ रहे हैं, ब्रीफिंग करते हैं ना इनको, इनके बहुत सारी बसेज ये सब पुलिस की खड़ी हुई हैं। ये हमारा होटल है, होटल पुष्पा, चलते हैं अंदर, बुकिंग करी हुई है, होटल है हमारा, अभी दिखाता हूँ मैं रूम आपको। एक दे दिया, रिसेप्शन का नंबर है इसमें, रेस्टोरेंट का नंबर है, और ये पीछे वाईफाई। तो सी का व्यू है ये देखो, ये सी कितना क्लियर पानी है। मैं अपना ये रूम है, ये फ्रंट का व्यू है यहाँ से।